गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन फोर दीवानों की हस्ती ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं अभी तक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले कैसे कासक में लिखते थे, पिक्चर बना करके प्रोजेक्ट वर्क जैसा करते थे, वैसा ही आपने 8th क्लास में भी करना है। और जो आपकी दूसरी स्टडी मटीरियल है उसमें से आप जो देख करके लिखते हो पूरा लिखना, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ना। तो आज मैं आप लोगों को लेसन को पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ाने जा रही हूँ। दीवाने किसको कहते हैं? अर्थन बॉलर जो मस्त होते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं होती है, उसे दीवाने कहते हैं। यहाँ मैं आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, किताब खोल लीजिए, मैं आप लोग को पहले रीडिंग करके बताऊंगी, उसके बाद नए शब्द, फिर कवि का परिचय, फिर उसके बाद खबर समझाऊंगी। पहले वाचन देखिए, रीडिंग देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू भरकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले, तो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से लिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में सचन लुटा कर प्यार चले, हम एक निशाने की ऊपर ले असफलता का भाग चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयं बदले थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और मैंने यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए हैं, उसको मैं आप लोगों को पढ़ना बता रही हूँ। नए शब्द देखिए, हस्ती, आलम, फूल, निशानी, उल्लास, भिखमंगी, स्वच्छंद, बंधन। और इधर है कवि परिचय। कवि कौन है? इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी है। उनका परिचय क्या है? जन्म कब कहा हुआ था? 30 अगस्त 1903 में, 30 अगस्त 1903 में हुआ। जन्मस्थल यानी बर्थ प्लेस कहाँ वो पैदा हुए थे? उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। आपकी पुस्तक में उन्नाव लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, आ नहीं होता, उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। कार्य क्षेत्र रचनाकार, साहित्यकार। क्या करते थे? रचनाएं लिखते थे और साहित्य लिखते थे। भाषा किस भाषा में लिखते थे? हिंदी। काल आधुनिक काल। बच्चों काल तीन होते हैं, रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल। रीत काल के कवि बहुत पहले जैसे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, या उसके पहले के भी बहुत से कवि वो रीत काल में आते हैं। और भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, रहीम, ये सब कवि आते हैं। आधुनिक काल में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरह के कवि लेखक आते हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी किस काल में आते हैं? आधुनिक काल में। विधा नाटक, कहानी और उपन्यास लिखते थे। विषय आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य। कृतियां यानी कौन कौन सी नई नई रचनाएं लिखी हैं। सामर्थ्य और सीमा, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, और एक और है तीसरा
सबही न चावत राम गोसाई। ये तीन रचनाएं इन्होंने कृतियां इन्होंने लिखी हैं। इनका देहांत कब हुआ है? मृत्यु मतलब ध्यान उनकी मृत्यु कब हुई है? 5 अक्टूबर 1988 उनका ध्यान हुआ। हम देखें इस पिक्चर में, पुस्तक में जो पिक्चर दी हुई है उसमें इसके पिक्चर नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र है। स्वतंत्रता सेनानी जब 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, तो देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के अनेक वीरों ने, देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को बलिदान किया। इनमें जैसे रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, अलगुरी सीता रामराजू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे और भी बहुत से वीर थे, सेनानी थे, जिन्होंने अनेक अंग्रेजों की अनेक जुल्म सहे, अनेक यातनाएं सही, अनेक कष्ट सहे और देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी। तो ये उनमें से हैं। तो ये सुमेर को फर्स्ट पेज पर जो चित्र दिया उसी को देखकर पूछा गया प्रश्न, ये गीत किसके बारे में है? यह गीत शहीदों के बारे में है। चित्र में दिखाए गए लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? चित्र में जो दिखाए गए हैं वो स्वतंत्रता सेनानी है। चित्र में जो दिखाए गए हैं देशभक्त, वो स्वतंत्रता सेनानी है और उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। इस गीत में शहीदों ने क्या इच्छा जाहिर की है? इस गीत में शहीदों ने यह इच्छा प्रकट की है कि दोस्तों तुम हमें मत भूलना और अपने देश को आजाद बनाए रखना, इसको पुनः गुलाम मत में देना। सारांश देखेंगे बच्चों, मैं पढ़ के बता देती हूँ। दीवानों के हस्ती नामक कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा ने इसमें संसार के सुख भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कवि ने प्रकाश डाला। अब माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए अनेक चीज़ों को जुटाते हैं, उनके कि हमारा बच्चा खुश रहे, हाँ प्रसन्न रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो जो देशभक्त थे इन्होंने उन सुख सुविधाओं को त्याग कर सुख सुविधाओं को त्याग दिया, अपनी सांसारिक मोह माया को त्याग कर देश को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े। हम तो दीवाने हैं, यानी मस्त हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। मनमाने ढंग से हम दुनिया में इधर उधर घूमते रहते हैं। आजकल भी देखो हमारे देश के बहुत से सेनानी जो हैं, कोई कर पाकिस्तान जो है हमारे देश पर हमला करने में अटैक करने की कोशिश करता है, उधर चीन भी भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत से हमारे देश के वीर जवान सीमा पर तैनात अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तत्पर हैं। उन्हें अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, अपनी पत्नी का, सबका मोह त्याग करके केवल उनका एक लक्ष्य है कि हम देश की रक्षा करें, देश को हम बचाएं और दुश्मनों को उनका मुंह तोड़ जवाब दें, उनके जो वो हासिल करना चाहते हैं उस पर वो कामयाब ना हो सके, इसके लिए वो हमेशा तैयार हैं, सीमा पर तैनात हैं। लोगों पर अपना प्रभाव डालते हुए चलते हैं, हम तो कभी आनंद के रूप में और कभी दुख के रूप में आते जाते हैं। जब कोई सैनिक अपने घर आता है तो माता पिता, आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार, भाई बंधु कितने प्रसन्न होते हैं कि बच्चा हमारा आया है, कितने देख करके खुश होते हैं। लेकिन जब वो जाने लगता है तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब मेरा बेटा सीमा पर जा रहा है,
वापस आएगा कि नहीं आएगा, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सोच करके उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जब आते हैं तो वो खुशी प्रदान करते हैं और जब जाते हैं तो सबके आंखों में आंसू डाल देते हैं, आंसू पैदा कर देते हैं, सब लोग दुखी हो जाते हैं, वह स्वयं दुखी हो जाता है। तो दुख के रूप में आंसू बहते हुए आते हैं। लोग हमसे पूछने लगते क्यों आए, कहाँ चले, अभी अभी तो तुम आए हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो। कभी कभी जब सैनिक आता है और अचानक युद्ध छिड़ जाता है तो सरकार उन्हें फिर से बुला लेती है कि आप अपने युद्ध के लिए स्थान पर जाओ, जहाँ पर वो तैनात रहते हैं वहाँ जाने की अनुमति उनको सेना की तरफ से मिलती है, कमांडर की तरफ से मिलती है, तो चले जाते हैं। तो हम लोग हमसे पूछने लगते क्यों आए, कहाँ चले, हमसे ऐसे प्रश्न पर पूछो। हमारा काम है घूमना, यानी जहाँ हमको हमारे कमांडर जो भेजते हैं उनको, वो जहाँ भेजते हैं वहाँ वो चले जाते हैं। तो कभी इधर रहते हैं, कभी दूसरे तरफ रहते हैं, उनका कोई भी एक स्थान नहीं रहता। हमारा काम है घूमना, घूमते रहिए। हमें अपने मन की बात कही, मैंने अपने मन की बात कही, दूसरों के सुनी, सुख दुख दोनों को समान भाव से भोग लिया, विभंगों की दुनिया में अपना सर्वस्व लुटा कर चले, असफलता के भाग को एक निशानी के रूप में हृदय में भर कर चले। हमें अपना पराया भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कौन हमारे लिए अपना है, कौन हमारा पराया है, इस तरह की भावना सेनानियों में नहीं होती। इसलिए एक सैनिक के मन में इस प्रकार की भावना नहीं होती है। हम स्वयं बंधे हैं, अपने कर्म बंधों से बंधन, अपने कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं और अपने बंधनों को छोड़कर स्वच्छंद होते रहते हैं। सकर्म में बंधन करने परिवार, पति पत्नी, बच्चों का मोह का बंधन जो है उसे बंधे, लेकिन फिर भी हम देश के लिए इन बंधनों को छोड़ करके अपने कर्तव्य पालन के लिए निकल पड़े। इधर उधर घूमते रहते हैं, यह कर्ता फकम हस्ती का उदाहरण है। अब आवाज देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल यहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि कहता है कि ऐसा एक व्यक्ति जो अपने को दीवाना या पागल कहता है, हरफन मौला, जिसको किसी प्रकार की मोह माया नहीं होती है, उसका कथन यह है, वो कहता है कि हम जैसे पागलों का इस दुनिया में क्या अस्तित्व था, आज यहाँ तो कल वहाँ चले, हम लगातार इधर उधर भटकते रहते हैं, जहाँ हम लोग को कमांडर भेजता है हम लोग उधर चले जाते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं मस्ती से जाते हैं, धूल उड़ाते जाते हुए वहाँ घूमते हैं, वहाँ हम मतवाली दुनिया में भी हमारे साथ साथ चले, अर्थात सब कहीं मतवाले जीवन का रसास्वादन हमें मिल ही जाता है। बस आए मतलब उल्लास, कभी उल्लास मने आनंद, खुशी। मैंने आपको बताया जब कोई सैनिक अपने घर आता है तो पूरा वातावरण उल्लास से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, चारों तरफ खुशी खुशी दिखाई देती है, सब लोग प्रसन्न नजर आते हैं। तो ये पंक्तियाँ दीवानों की हस्ती नामक कविता से किया गया। आपको जब भी लिखना होगा इस पंक्तियों का भावार्थ, तो पहले आप प्रसन्न लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। तो भावार्थ में है प्रसन्न में कि आपने ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, हाँ पुस्तक का नाम देते हुए और दीवानों की हस्ती नामक कविता की से ली गई है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। ये प्रसंग लिख करके और इन पंक्तियों में एक सेनानी क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में बताया गया है। ये आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। ये पंक्तियाँ दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। कवि श्री भगवती चरण वर्मा इसके कवि हैं। इसमें संसार के सुख भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति के बारे में कवि ने प्रकाश डाला है। वह दीवान ये कहते हैं, कभी आनंद से हम फूल उठते हैं, जब अपनों से मिलते हैं तो हम आनंदित हो उठते हैं, और तो कब जब हम बिछड़ने लगते हैं तो हमारे भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं।
तो कहने लगते हैं कि अभी तो तुम आए हो और अब तक कहाँ जा रहे हो, ये तो बताते जाओ। थर्ड, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये तो मत पूछो, क्योंकि हमको जहाँ भी भेजा जाएगा हमको वहीं जाना है। तो किस तरफ हम बता दें कि हम लोग किधर जा रहे हैं, कभी लद्दाख जा रहे हैं, पाकिस्तान से भारत की सीमा पर जा रहे हैं, कि लद्दाख से अगर किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते। हमको जहाँ कमांडर भेजेगा या हमारा जो हेड है होता है वो जहाँ हमको भेजेगा हम वहीं चले जाएंगे। तो किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, हमको जाना है इसलिए हम जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जब को अपना कुछ दिए चले। जग से जग मतलब संसार, अपने परिवार अड़ोस पर सबसे हमने प्यार रूपी संपत्ति ली है और उनका उनको भी हम अपना प्यार देते हुए चले। जब को अपना कुछ दिए, जब को अपना देना अपने आप को बलिदान करना, अगर युद्ध करते करते हमारी हमारे प्राण भी निकल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए धन्य की बात है कि हम इस लायक हैं कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। जब यही जब को अपना कुछ दिए चले, इसमें भावार्थ है। ये पंक्तियाँ विमानों की हस्ती नामक कविता से ली गई, कवि का नाम श्री भगवती चरण वर्मा जी। मस्त आदमी कहने लगे हम किधर चलेंगे ये मत पूछो, हमको बस चलना है और चलते रहेंगे, दुनिया को अपना सर्वस्व देकर चलेंगे, यानी अपने आप को बलिदान करके चलेंगे, चले जाएंगे और आवश्यक चीज़ें ले चलेंगे, यानी आप लोग भी यादें अपने साथ ले चलेंगे। तो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसी और फिर कुछ रोई, 76 सुख के बूटों को हर एक भाव से ये चले। अब इसमें ये दिया हुआ है कि कभी कहता है कि मस्त आदमी कहता है कि हमने मन में आई दो बातें कह डाली, जो हमारे मन में आया वो हमने दूसरों से कह दिया, और दूसरों के मन में क्या बातें आई, क्या क्या वो पूछना चाह रहे हैं थी, क्या क्या वो बताना चाह, वो मैंने सुनी। कुछ बातें सुनकर कि मैं बहुत खुश हुआ और कुछ बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, यानी मैं रोया। हमारे विचार में सुख दुख दोनों समान हैं, दोनों को हम समान भाव से भूखते हैं, दुख का आनंद लेते हैं। मतलब सुख और दुख में सुख आने पर बहुत सुखी नहीं होते और दुख आने पर हम दुखी नहीं होते, हमारे लिए सुख और दुख दोनों समान हैं। हम विमुखों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर दे असफलता का पार चले। ऐसवी का भी कहता है कि जो दीवाने हैं, जो मस्त मस्त चलने वाले हैं, जो सैनिक हैं, सेनानी हैं, वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में भिखारी जैसे हैं, हमारा हम कुछ भी नहीं है, हम तो देश के लिए हमने अपने मन में ये अपने मन में सोचते हैं कि हमारा अपना कुछ भी, हम तो देश के लिए बने हैं, हम देश के भलाई के लिए पैदा होते हैं, हमारे पास जितना प्यार है उसे हम लुटाते चलते हैं, और अगर कभी हमें असफलता मिलती है तो उसको भी हम उस भाग को भी हम एक निशान के रूप में हृदय में संभाल लेते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधेंगे और स्वयं हम अपने बंधन छोड़ते। अब यहाँ पर दीवानी कहते हैं, यानी सैनिक कहता है कि अब अपना और पराया कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है, आबाद रहे, यानी हमारे जाने के बाद जो देशवासी जो भारतवासी पीछे हैं वो आबाद रहें, वो खुश रहें, वो प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं भी इस बंधन में बंधे थे, लेकिन हमने उन बंधनों को तोड़ दिया और हम आगे बढ़ गए देश की भलाई के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ चले। अपने पैर जो मोह माया का बंधन है उसको हमने तोड़ दिया है। इसमें अब हम इसमें भारत में कहते हैं, सैनिक कहता है कि अब हमने अपना अपराया का भेदभाव मिट गया है, जो लोग इस संसार में रहना चाहते हैं वो खुशी से यहाँ रहें, हम तो अपना शिक्षा से इस बंधन में रहे, अब तो अपने सांसारिक बंधन तोड़कर आजाद होकर यहाँ से चलते हैं।
कि आप लोग को भावा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए, सुनिए और बोलिए। इस कविता में भारत के वीर सपूतों की भावनाओं का चित्रण है। कवि ने उन्हें दीवाना कहा है। वे देश की आजादी के दीवाने हैं। वे बलिदान देने से नहीं डरते थे। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की आंखों में किस प्रकार के भारत का सपना रहा होगा? अब इसका आंसर है, स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की आंखों में इस तरह के भारत का सपना रहा होगा। सब समाज में विकसित भारत, शांति भारत, राम राज जैसे भारत, सम असम भेदभाव रहित भारत, अमीर गरीब भेद न होने वाली भारत, अच्छी तरह के लोगों से रहने वाला भारत, ऐसी उन्होंने कल्पना की होगी। हम भी लोगों की दुनिया में स्वच्छंदम लुटाकर प्रेम चले। कवि ने संसार को लोगों की दुनिया क्यों कहा होगा चर्चा की। संसार में सब लोग आपस में प्रेम लूट कर चलते हैं और जीते हैं, इसलिए कवि ने संसार को लोगों की दुनिया कहा। देखिए आगे, देखिए पढ़िए। कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू कर पहचानना क्यों कहा है। मैंने आपको बताया कि जब कोई अपना प्रदेश से विदेश से वापस लौट आता है तो घर के सभी लोग, आस पड़ोस, रिश्तेदार, सभी भाई बहन कितने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चेहरे पे खुशी दिखाई देने लग पड़ती है। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है और आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। विकमंगों की दुनिया में वे लोग प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान विभाग की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि प्रसन्न है। प्यार लुटा लेना खुशी की बात है। क्यों ऐसा है? इसका यह मतलब है कि प्यार लुटा लेना यानी हम दूसरों को आजाद देखना चाहते हैं, दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। उसके लिए ही वीर सीमा पर तैनात होकर दुश्मनों का सामना करता है, देश की रक्षा करता है, ताकि आप लोग अपना खुशहाल जीवन बिता सकें, आप खुशी से रह सकें। यही उनके लिए उनका प्यार सबके लिए है। तो इस दृष्टि से कवि प्रसन्न है। प्यार लुटा लेना खुशी की बात है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। यानी जो सांसारिक मोह माया का बंधन था, जिम्मेदारी का, माता पिता की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जिसे एक पुरुष निभाता है। लेकिन देशभक्त जो है वो इन सांसारिक मोह माया के बंधन को तोड़ करके, जो स्वयं ही उस बंधन में बंधा था, वो उसने अभी इस बंधन को तोड़ दिया है और देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ गए हैं। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को मान लिया कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यह फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। तंग दस्ती की हालत में भी मस्त रहना जीवन सुख दोनों का मिश्रण है। इस कविता में आज़ादी के दीवानों का वर्णन है। अब आज़ादी के दीवाने अमर शहीद भगत सिंह का एक पत्र पढ़ें। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे भगत सिंह का एक पत्र दिया हुआ है, उनका उस पत्र को पढ़ना है और पढ़ करके आगे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश से देखकर आपने लिखना है। भगत सिंह के पत्र एवं पढ़ी गई कविता दीवानों की हस्ती के भाव का भाव में क्या संबंध है? आज़ादी के लिए लड़ने वाले आदमी दीवाने होते हैं। जो स्वतंत्रता देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध करते हैं वे दीवाने होते हैं। यह भावना दोनों कविताओं में समान है। भगत सिंह ने स्वयं को सबसे अधिक स्वभावशाली क्यों कहा है? भगत सिंह ने यह मन में सोचा कि यदि फांसी से बचने का अवकाश मिले तो स्वतंत्रता
सफलता को पूरा हासिल करने में अवकाश मिलेगा। इस तरह की सोच उसके मन में रहने के कारण वास्यम को सबसे अधिक सौभाग्यशाली कहा है। कहने का मतलब है कि नागा सिंह ने सोचा कि अगर हमें फांसी से मैं बच जाता हूँ, छूट जाता हूँ, तो मुझे और अच्छा अवसर मिल जाएगा कि हम देश की सफलता के लिए और आंदोलन करें, अंग्रेजों का सामना करें, देश को आजाद कराने के लिए और भी कार्य और भी कदम आगे बढ़ा सके ताकि देश को आजादी मिल सके। भगत सिंह हंसते हुए फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते थे? भगत सिंह हंसते हुए फांसी पर चढ़ना चाहते थे क्योंकि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद तादाद संख्या गिनती कुर्बानी देने वालों की तादाद बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना सामान्य बात या तमाम शैतानी शक्तियों के दूर की बात नहीं रहेगी। अगर भगत सिंह की कहानियाँ सब लोग सुनवा हर माँ अपने बच्चों को सुनाएगी तो और तो उनमें प्रेरणा जागेगी कि मैं भी भगत सिंह की तरह बन करके देश के लिए कुछ कर सकूँ, देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सकूँ। लिखिए प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्यों में। आजादी के दीवाने चाहते हुए भी अपने बंधु बांधवों के पास क्यों नहीं रह पाते? आजादी के दीवाने हमेशा स्वतंत्रता पाने में श्रद्धा रखते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम तो आजाद रहें, साथ में हमारे देशवासी भी आजाद रहें, तो वो स्वतंत्रता पाने में ही अपना कर्तव्य समझते हैं। और वे कब अपना जीवन त्यागते भी उन्हें ना मालूम होती है, उन्हें कब उनका प्राण निकल जाए, कब वो अपना जीवन त्याग देंगे उन्हें मालूम नहीं है। वे हमेशा प्राण अर्पण करने को तैयार रहते हैं, अपना बलिदान अपने प्राण निछावर करने को तैयार रहते हैं, इसलिए भी अपने बंधु बांधवों के पास नहीं रह पाते हैं। वीरों की राह निश्चित क्यों नहीं होती? वीरों की राह निश्चित नहीं होती क्योंकि वे जब लड़ाई के लिए जाते हैं उन्हें ना ये नहीं मालूम होता कि कहीं पर क्रांतिकारी घटना हुई है, उन्हें वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। बलिदान लोग अपना पराया का भेदभाव क्यों नहीं रखते? बलिदानी लोग अपना पराया का भेदभाव नहीं रखते क्योंकि अपना या पराया का भावना उनके साथ भावना को जागृत करती है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वे सोचते हैं कि ये मेरा अपना है और ये पराया है, इस प्रकार की जब भावना जाती तो कोई भी ऐसे व्यक्ति दूसरों की भलाई नहीं कर पाते हैं और ना ही वे समाज का उद्धार कर पाते, समाज का कोई अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि उनमें अपने पराये की भावना आ जाती है। वो केवल अपना जो हमारे अपने हैं उनका ही भला सोचते हैं, दूसरों की भलाई नहीं सोचते हैं। बलिदानी लोग अपना पराया का भेदभाव नहीं रखते क्योंकि अपनापन या परायापन की भावना उन्हें साथ मानव को जागृत कर देती है, इसलिए अपना पराया का भेदभाव नहीं रखते हैं। जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कम मस्ती हानिकारक हो सकती है। जीवन में मस्ती के कारण जब हम आसक्तता को भूल जाते हैं तब मस्ती हानिकारक हो जाती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो नदी के किनारे टहला है, वो मस्ती में है, लेकिन जब वो जानबूझ करके नदी में आगे बढ़ता जाएगा तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाती है। कई बच्चे आजकल कई बच्चे स्टंट ऐसे ऐसे स्टंट करने लगे हैं जो उनके लिए वो मस्ती में करते हैं लेकिन वही उनके लिए प्राणघातक बन जाती है, वही उसके लिए हानिकारक बन जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। हमें सांसारिक सुख दुख के भाव को समान क्यों मानना चाहिए? इससे हमें क्या लाभ होगा? हमें कभी भी चित दुख न चाहना है और न चित सुख, लेकिन दुख और सुख ये जीवन के दो ऐसे पहलू हैं कि अगर सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख आएगा, इसलिए हमको इससे विचलित नहीं होना चाहिए। दुख आने पर दुखी नहीं होना चाहिए और सुख आने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ये तो आंख मिचौली है क्योंकि सुख दुख दोनों आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। सुख हमेशा स्थिर नहीं रहता, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दोनों इस जग में बांट जाते हैं, इसलिए सुख दुख दोनों को समान भावना से लिखना चाहिए। आप
अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे। मैं अपने देश के लिए अच्छा नागरिक बनकर देश के वित्तीय कार्यों को करने में सहयोग करूंगा, सब लोगों को समान रूप से देखूंगा, सब लोगों के साथ आदर का व्यवहार करूंगा, देश के लिए अपने प्राणों का अर्पण करने के लिए तैयार रहूंगा, देश की आज़ादी के लिए तड़प तड़प कर प्राण अर्पित कर देना करेंगे। अब शब्द मंडार देखिए, कविता में हंसा रोना कही सुनिए शुरू दिए लिए अपना बनाया। आजकल आत्मिक प्रार्थक शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है, दो ही प्रार्थक शब्दों का एक ही बात में प्रयोग कीजिए, जैसे हंसना रोना, दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन अवश्य स्वयं रोना पड़ता है। सुख 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 के बाद दुख अवश्य आता है। अपना प्राय हमें हमारे देश को अपना समझना चाहिए और पराया नहीं। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर जीवन का और खुद का शब्दों का प्रयोग किया। इसी भाव के कुछ अन्य शब्द सोचकर लिखिए, पढ़कर सुनकर बैठकर चलकर हंसकर गाकर। अब नीचे मुहावरे हैं उनका जब वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य आप अपने से बनाइएगा, धूल उड़ना नाश होना, धूल चाटना धूल चाटना धूल को खाना, धूल चाटना मतलब दोष लगाना, धूल चाटना दोष लगाना, धूल फाँकना धूल छानना, धूल फाँकना धूल में मिलना, धूल में मिलाना, ये है इनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। प्रशंसा दुनिया में कई प्रकार के लोग बसते हैं, कुछ पुरुषों के बंधन में बंधे होते हैं, तो कुछ अपने एक कविता लिखते, ये कविता दी हुई है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसका बार बार उपयोग। अब आपने परियोजना कार्य में जो स्वतंत्रता सेनानियों के पिक्चर में उनके पिक्चर लगा करके उनके बारे में आप लोगों ने लिखना है अपने परियोजना पुस्तक में, जो आप लोग हमेशा से जिसमें करते आए हैं उसी में करेगा, क्लास वर्क में क्लास वर्क ये सब लिखेगा और परियोजना कार्य में परियोजना कार्य किएगा। ये दिया हुआ है, किसी स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, ये आप लोग करिए। आगे देखिए, बुक में टिक करिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ सही, पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ सही, पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ सही, पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ सही, पाठ के आधार पर राजेश के बारे में कहानी लिख सकता हूँ सही। अब निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आप मैंने आपको बताया हुआ है, उल्लास आनंद स्वच्छंद आजाद, खुद हृदय पराया दूसरों के तोड़ना उठना, वाक्य आप लोग अपने स्वयं बनाएगा। मुहावरे दिए हुए हैं, मुहावरे भी आप लोग स्वयं करिएगा, जी लगाना ध्यान लगाकर, बुरा मानना अनुचित समझना, नतमस्तक होना विनम्र होना, जल बसना मत जाना, ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ मैंने बता दिया है, आप लोग बात जो कर लीजिएगा। आगे पर्यावाची लिखे, चरण दिन नरक बसंत प्रेम, ये नियम है, इनके पर्यावाची शब्द लिखे हुए हैं, उनको आप लोग लिख लीजिएगा। विलोम शब्द हैं, संधि विच्छेद है, भाववाचक संज्ञा बनाइए और तद्भव रूप लिखे, ये पूरा दिया हुआ है। लेकिन बच्चों एक चीज है, एक ये आप लोग देखिए, सेवेंथ बिट देखिए, सेवेंथ बिट में आकर तद्भव रूप लिखिए, अग्नि आग, क्षीर खीर, क्षेत्र सेतन, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, जिस जहाँ पर किसान अनाज को उगाता है उसे हम खेत कहते हैं, यहाँ पर क्षेत्र का यहाँ पर इन्होंने तद्भव रूप सेत लिखा है, वैसे क्षेत्र का अर्थ खेत होता है। पत्र पत्ता चंद चंद, अब नीचे ये पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, या मैंने आपको पूरा समझा दिया, अभ्यास का पूरा वही अभ्यास का जो पीछे मैंने समझाया है वो पूरा पीछे दिया हुआ है, वो आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा और परियोजना कार्य में आप लोग ऐसे करिएगा जैसे मैं आप लोग पहले करते हैं करते आएंगे। परियोजना कार्य में विषय उद्देश्य स्रोत बसंत, जैसे बसंत का जैसे पिक्चर बनाया, जहाँ पर
देश में दीवानों की हस्ती बनाए, तो आप लोग दीवानों के पिक्चर बनाएंगे और उनके बारे में लिखेंगे, जितना इसमें जैसे आप लोग पहले करते थे वैसा ही आपने करना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।